बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्किप नहीं करके वीडियो पूरा देखिए। आम लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो बोल रही थी ना बार बार, इसने बेबी दिया हुआ, तो वो हमने पकड़ा हुआ था ना, तो इसने खप डाली हुई थी। तो मैं अहमद और माली आज जो है ना निकालने लगी हैं बकरी का दूध, वो भी जो है ना पहली दफा। मैं तो पहली दफा निकालने लगी हूँ, ये जो है ना कल परसों के लगे हुए हैं। सुबह सुबह बर्तन लेके आते हैं, दो बकरियां देती हैं दूध, एक जिसने बेबी दी है उसका तो बेबी पी लेता है, इतना ज्यादा नहीं पीता, थोड़ा ही पीता है, तो जो एक्स्ट्रा बच जाता है ना वो हम निकाल लेते हैं। तो ये जो है दो तीन दिन हो गए निकाल के जाया ही करते थे, तो मैंने कहा आज जो है हम निकालते हैं, देखते हैं भला हमें बकरी का दूध निकालना आता है कि नहीं। करिए फिर तो करने ये चेक करे अहमद निकाल रहे। अहमद आपने कहाँ से सीखा है? यहाँ से पकड़ो ना, यहाँ से नजदीक से करके पकड़ो। कितना ज्यादा निकाल भी लिया इसने मेरे आने से पहले। आपको ही निकालना था अरमान, अरमान अरमान काट अरमान चेक करे दोनों हाथों से निकाल दे। निकालो निकालो कैमरे में तो नजर आने दो, एक हाथ के साथ निकाल लो। चलो मैं निकालती हूँ, ये पकड़ लो आप पीछे और अहमद मैं निकालती हूँ। ये जो थोड़ा सा गड़बड़ी पहले से है ना, ये अहमद सुबह का निकाल के लिए गया है। इधर पीछे खड़े हो कक्का। बकरी का दूध जो है ना इजीली निकल आता है। हम पहले पड़े हुए थे, हमने निकालना शुरू किया, वो ऊपर ले गई है। अहमद आप छोड़ो ना, मुझे निकालने में दो ना, वो ऊपर ले गई है सारा। एक मिनट छोड़ो ना। तो ना कोई दूसरी बकरी नहीं रहती है, और अहमद इसका खत्म हो गया। और बकरी का दूध माशाल्लाह से इतना खालिश होता है ना, इतना मतलब कि भैंस के दूध से ज्यादा जो है ना बकरी का दूध खालिश होता है। तू ही चलो मेरी खैर। और देखो ना, और वो इधर ले गया, नहीं वो मारती है आगे, वो मार। आप करो ना उसमें, आप करो ना, मारती तो नहीं है। कान पकड़ो, कान पकड़ के रखो, कान पकड़ के रखना है मुझे यहाँ से। आपको ना मार, इसका भी छोड़ आई है। और बकरी का दूध निकालते हुए ना इसके बाल बड़े गिरते हैं, ये जो है ना एहतियात ज्यादा जो है ना एहतियात के साथ इसको पुनना पड़ता है, क्योंकि जितनी मर्जी एहतियात के साथ निकालो बाल लाजमी जो है ना यहाँ से गिरते हैं, ऊपर काफी ज्यादा बाल होते हैं ना वो गिरते हैं। और अभी तक जो है ना ये किलो का बर्तन है और आधा किलो दूध निकाल लिए हमने। जिन्हें पचा देता है काट लीजिए।
ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਫਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਨਾ, ਤੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੁੱਧ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਫਾਰ ਫਾਰ ਇਹ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। इसका जो है ना अभी बच्चा दूध पीता है, ये नहीं निकालने दे रही, इसका रहने देती है। छड़ी ना चाचू ने मारना ही, फिर छाड़ दे मेरे पुत्र, गर्मी है ना। आइया इधर, हम आइया। उसका तो मैंने बच्चा आपको दिखाया नहीं है, जिसका हम दूध निकाल रहे थे, इसने नहीं निकालने दिया। ये इसका बच्चा, ये भी जो है ना फुल ब्लैक है। हाँ, ये उस दिन मैं दिखा रही थी अपनी वीडियो में, जिस दिन अहमद और अरमान जो है इसे उधर घर बना के बंद कर रहे थे ना, कितनी जल्दी आई, उठा के ले जाते। भला बोलती है, पहले तो बड़ी खपट डाली हुई थी। ये लेके जाने लगी। ये लो। उसे भी नहीं पीने देती। अरमान इधर आओ ना, उरा दूध पिया लिए। बैली तो इसकी बड़ी हुई है फुल। ये लो, पीने लग गया, भूख लगी हुई है। ओ तेरी खैर, पी लो। नहीं पीने देती। की करना है दूध अम्मी? कुछ नहीं, पी ला दी मैं आप ही। सही है जी। बकरी का दूध वैसे लोग इतना पसंद नहीं करते। हमारे घर भी मतलब माशा से इतनी ज्यादा बकरियां कभी इतना निकाला नहीं है, उनके बच्चों को जो है ना पिला पिलू देते हैं। तो वैसे ही इसके बकरी के दूध के फायदे भी बड़े हैं, और माशा से जो है ना खालिस भी बड़ा होता है। सही बात है। और उसके बाद स्पेशली जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना सुन्नत मुबारक भी है। नबी पाक जो है ना वो बकरी का दूध ही जो है ना पिया करते थे, लेकिन आजकल लोग जो है ना इतना पसंद नहीं करते बकरी के दूध को। कल भी अहमद ने और माँ ने थोड़ा सा निकाला था, तो अम्मी जी ने जो है ना वो गाय के दूध में मिक्स करके ना चाय बनाई थी सुबह, और उसके बाद जो है ना फिर निकाला था, पिछले टाइम निकाला था, तो वो भी जो है ना अम्मी जी ने ही पिया था। पता नहीं क्या अम्मी जी का, आपको पता है देसी तोड़ के छोड़ के जो है मिक्स करके पीते रहते हैं। और आज फिर जो है थोड़ा सा निकाल के रखा हुआ था अहमद ने, तो अम्मी जी कहते हैं और अभी है तो अभी जो है निकाल लो, ये आधा किलो हो गया, ये फ्रिज में रखते हैं, ये भी जो है ना अम्मी जी ही इस्तेमाल करेंगे। पुनसुन के जो है मैं रख देती हूँ गर्म करके, फिर जो है ना पी लेंगे कच्ची लस्सी बना के या फिर वैसे ही। मुझे जो है ना कमेंट आ रहे थे कि आप लोगों ने कुर्बानी नहीं करनी ईद पे, आपने नहीं कोई मतलब दिखाया जानवर ईद का। हमजा लोगों ने दिखाया हुआ, इसलिए मैंने नहीं था दिखाया। तो मुझे बार बार पूछ रहे थे कि दिखाएं आप भी जो है अपनी अपना कुर्बानी का जानवर, तो मैंने कहा चलो मैं भी जो है दिखा देती हूँ। हमारे जो है दो बकरे हैं कुर्बानी वाले, एक ये फुल ब्लैक कलर का, हाँ वो भी दिखाती हूँ, पहले ये दिखा रही, ये चेक करें। एक ये हमारा बकरा है फुल ब्लैक कलर का, और उसके अलावा जो है ना ये बैठा हुआ है। और ये वाला जो बकरा है ना, हमने कुर्बानी करनी है, ये थोड़ा बड़ा है, और ये जो मेरे को मार देती हूँ, और ये जो ब्लैक वाला है ना ये थोड़ा छोटा है, और कुर्बानी जो है ना हमने उसकी करनी है ब्राउन कलर का और सफेद कलर का। इसको जो है कलर लगा दिए हुए हम इसमें, हम जाने ये कितना रोला डालते हैं। और हर दफा जो है ना हम कुर्बानी अपने घर से ही करते हैं, बकरा हमारे घर का ही होता है। जब से हमने होश संभाली ना, होश संभालने से पहले भी जो है ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी ईद मिस हुई हो कि हमने कुर्बानी ना की हो, और कि करते हर दफा बकरे की, बकरा भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह घर का ही होता है। तो हर दफा दो तीन होते हैं, एक ही कुर्बानी करते हैं, जो दो बच जाते हैं, एक या दो बच जाते हैं उनको सेल कर देते हैं। ये वाला बकरा जो है ना ये अब्बू लोग कहते हैं कि ये सेल करना है, ईद में अभी तकरीबन थोड़े दिन रह गए, 4-5 दिन ही है, तो अभी तक जो है सेल नहीं किया, तो बाकी देखते हैं सेल होता है कि नहीं। लेकिन कुर्बानी जो है ना उसी की करेंगे, और जो है आपके साथ इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कुर्बानी शेयर भी करेंगे। क्या करना है इसे? लबा। क्या लबा नहीं करना, जबा करना है ईद वाले दिन, जबा करना है ना। नहीं ये वाला सेल करना है, वो वाला करना है। नहीं ये एक ही मारना है उसने। बाकी जो है ना बकरे और भी हैं, लेकिन ज्यादा छोटे छोटे। एक ये ब्राउन कलर का बकरा,
एक वो व्हाइट और सफेद कलर का है, वो भी बकरा है, ये बकरा है, वो भी जो बैठी हुई वो भी बकरी है। एक दो तीन चार, और चार जो है ना बड़ी बकरियां, नहीं पांच, एक उधर भी है, पांच पांच बड़ी बकरियां, बाकी इनके जो है ना बच्चे ही हैं। खोल सकने तू तो ना है मत ना मार ज्यादा सही से। कुर्बानी वाला बकरा जो मैं कह रही थी ना कि ये वाला हमने जो है ना कुर्बानी देनी है उस वाले बकरे, कितना सही से इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसके ऊपर जो है ना आमिश ने वो लाल रंग इतना लगा दिया हुआ, तो फिर वो जो है ना सही से मैं सामने नहीं दिखा सकती, वो जो लाल इतना लगा भी इतना ज्यादा दिया हुआ है उसने लाल रंग। तो बाकी जो है ना ये कि हम जो है ना कुर्बानी करते हैं, लाजमी करते हैं, हर साल ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मिस हुआ हो, तो बकरे की ही जो है ना करते हैं। तो हाय गर्मी, हाय गर्मी, किन्नी की गर्मी है, पैसे मेरे को कितों आए, मैं इन्नी वीडियो बनानी है, मैं पैसे मांगनी है थोड़े को, थोड़ी जी वीडियो बना के मेरे को पैसे मंगन लग पे, वीडियो अगले बना के तो मेरे को पैसे मांग देने, एवं नहीं वीडियो बनाने स्टार बन देने की नहीं बानी, वीडियो नहीं बनानी ना, बना फिर की होगा धमकी देने कि मेरे को नहीं है, अपने पापा को लेके आने हैं ना, वेला फिर गर्मी है जना घर, किन्ने किन्ने पैसे लेने, दो दो रुपए, तो पहला इधर वीडियो बना ना तो फिर लेने पैसे, बना वीडियो है, चवल मार तू ही कोई है, चवल मारना कोई, फिर छोटिया होंदिया अहमद नू इन्ना क जनून हुंदा ही ना, सही गल कोठी दा। चलो जी मेरा जो ना इतना ये सर खा रहे थे ना कि टप्पा पूरा सुनाइया, इतना ये मेरा सर खा, इतना पैसे दो लाइया ना आ इन्हना इन्होंने पैसे लेने अब नहीं जाना इन्होंने बाहर, तो लाहर ने देख दे दो जी अहमद तेरे मां ने खोती का झूला ले लिया, किसी ने खोती का झूला है, हूं वेलो दस रुपए का झूला लिया जिदा तुम दसा दसा का, हूं पैसे लबने थले, इधर वेख मान इधर वेख ना मेरे अल वेख, थले थले विलो दो दिन फेर दांग, थले विलो फेर थले विलो ना फेर दांग पैसे है, अहमद जूता मेरा पहना हुआ चेक कर, अहमद अरमान जो थले विलेगा उन्होंने पैसे लभने ने अंजलि ना वो पेंटी पे क्यों नहीं जे मामा ने ये हूं नवा लिया गंदे हो जरा पुठा काम दसा उधर लग पेंदे हो, एक देने लगे बस तंग करी, इधर इधर देखो मेरी तरफ देखो, इसकी देखना कपड़ों का रंग और इसकी आंखों का रंग चेक करना सेम सेम। बाकी आप में से इसके साथ सही बात है, पुट्ठे ही काम है इसके पास, इधर आओ ना उधर आपने नजर ही नहीं आना, हाँ पैसे मिल गए अभी आपको, इधर आओ आप भी दिखाओ ना अपने पैसे, पैसे दिखाओ ना अपने, फटाफट पॉकेट में डाल लिए हैं, हाँ इधर आओ आप भी, वीडियो भी एंड करनी है ना फटाफट, फिर चीज लेके ना खाएंगे फिर। बाकी आप में से लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से जो है ना किन किन की जो है ना कुर्बानी है, मतलब खरीदी है या फिर जो है ना घर की, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा, और उसके अलावा जो है ना ओए प्रावो वेख लेने उन्होंने बैठियो बैठ जो नीचे बैठ जो अहमद अरमान आ भी मेरा बेटा बैठ जो बड़ा अच्छा बच्चा। तो उसके अलावा जो है ना दुआ करें सही बात है, मौसम सही हो जाए, इतनी गर्मी सही बात है मैं बता नहीं सकती कि इतनी गर्मी, तीन या चौथा दिन है, हाँ तीन दिन हो गया चौथा दिन है कि इतनी ज्यादा गर्मी, और बारिश का जो है ना अभी तक कहीं भी नामो निशान नहीं है कि बारिश हो सकती है कि नहीं, और अभी जो है ना मजीद यही देख सुनने में आया कि ऐसे ही गर्मी पड़नी है मजीद कुछ दिन और। तो दुआ करें अल्लाह पाक से जो है ना ईद से पहले पहले मौसम सही हो जाए, नहीं तो सही बात है मत वज जानिए, इतना बिजी भी हो ना ईद वाले दिन, इतना काम भी हो, उसके अलावा जो है इतनी ज्यादा गर्मी भी, गर्मी हुई तो सही बात है कोई मजा नहीं आना, दुआ करें कि मौसम जो है ना सही हो जाए, उठ पो भरा बड़ी गर्मी लगन दे चाहिए थे। तो बाकी जो है ना ये थी मैं आज की छोटी सी मजेदार सी वीडियो, जिसमें आज की आपको पसंद ही होगी, वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी गलती होगी तो माजद दुआ में याद रखिएगा, जहन को दीजिए इजाजत, और हाँ एक और बात, बकरी का दूध जो है ना किस किसने पिया हुआ है और निकाला किसने हुआ है ये भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा,
अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल वाली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।